आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के कनाड़िया रोड स्थित वैभव नगर में माता दुर्गा का भव्य मंदिर है। करीब 19 साल पूर्व वैभव नगर एवं उसके आसपास के रहवासियों ने इस भव्य मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र नागर एवं सचिव रूपेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया, वैभव नगर दुर्गा माता मंदिर का 19वां वार्षिक उत्सव 11 से 13 जुलाई तक मनाया जा रहा है। महोत्सव की शुरुआत में ध्वजारोहण के साथ पवित्र नदियों के जल, दूध, दही व गन्ने के रस सहित 11 प्रकार के फलों के रस से माँ दुर्गा का महाभिषेक किया गया। साथ ही इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायक द्वारा भजन संध्या एवं रामायण मंडल द्वारा सुंदर कांड का आयोजन किया जा रहा है। 13 जुलाई को मुख्य आयोजन के अंतर्गत महाभिषेक, श्रृंगार, हवन, पूजन एवं महाप्रसादी का कार्यक्रम किया जाएगा। वैभव नगर दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र नागर, सचिव रूपेंद्र सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष पी के श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष सुरेश बाहिती, सह सचिव विकास राजौरिया एवं मुख्य पुजारी रामबाबू तिवारी ने बताया कि इसके पूर्व 7 और 8 जुलाई को मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। किस तरह से 3 दिवसीय आयोजन आज से शुरू हुआ, ये बड़ा हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि वैभव नगर दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट और दुर्गा माता मंदिर का हम 19वां वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ये भव्य पैमाने पर मनाया जाता है। प्रथम दिवस में जैसे आज 11 जुलाई है, 11 जुलाई को अभिषेक पूजन हुआ है। इसके पश्चात रात को रात्रि 8 बजे सुप्रसिद्ध भजन सम्राट संदीप वैष्णव जी के द्वारा भजन संध्या का आयोजन है। इसमें तमाम सारे माननीय अतिथियों को भी आमंत्रित किया है। हाडिया जी भी हैं, दावत जी भी हैं, प्रणव मंडल हैं, राजीव भाई जैन हैं, नेहा दीदी हैं और तमाम क्षेत्र के। ये वैभव नगर का दुर्गा मंदिर तो है लेकिन पूरे क्षेत्र का एक विशाल ये शक्ति स्थल है, तीर्थ स्थल है और कभी आसपास की सभी कॉलोनी के श्रद्धालु यहाँ नियमित रूप से दर्शन को आते हैं। और 12 जुलाई को आयोजन जो है वो रात्रि अर्थात शाम को 5 बजे सुंदरकांड का पाठ रामायण मंडल द्वारा किया जाएगा और माता जी की चौकी वैभवी महिला भजन मंडल जो कि इसके भूमि पूजन से शिखर तक के उनका अनवरत हमको सहयोग मिलता रहा है तो उनके द्वारा माता जी की चौकी और उसके बाद उनका माता जी के यशोगान का कार्यक्रम है वैभवी महिला भजन मंडल द्वारा। और 13 जुलाई को ये अभिषेक पूजन और पूर्णाहुति हवन होता है, पूर्णाहुति का कार्यक्रम है 5:30-10:30 बजे और शाम को 4 से 6 वैभवी महिला भजन मंडल के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति होती है। 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही आनंददायक प्रसन्नदायक होता है और करीब करीब सभी लोग इसकी सराहना करते हैं और महाप्रसादी और महा आरती से 13 जुलाई रात्रि 8 बजे यह समापन। एक्चुअली माता जी का जो ये आराधना का कार्यक्रम जो 19वां वर्ष हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है और ये माता जी का आगमन तो 1999 में हो गया था। 2000 में हम लोग ने यहाँ गरबे का जो कार्यक्रम शुरू करा था, उसके बाद में माता जी का कार्यक्रम होने के बाद में जो गरबे का कार्यक्रम होने के बाद में 2005 में मैंने यहाँ पर स्थापना पूर्ण की थी और माता जी निरंतर जो है अपने नव पूरे रूप में यहाँ पर हर वर्ष एक नए रूप में आती हैं और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर सभी को अपने कार्यक्रम को संचालन करने के लिए योग्य देती है और दूसरी चीज़ आशीर्वाद देती है कि आप अपना कार्यक्रम संपन्न करें। और प्रतिवर्ष के अनुसार जो है माता जी अपना यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है सर्व रूप से पूर्ण रूप से संपन्न होता है और काफ़ी यहाँ कर आसपास की जो जनता है कॉलोनी के लोग हैं यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार जो है हम तो बढ़ चढ़ के यहाँ पर अपना जो है योगदान देते हैं, शारीरिक से लेकर आर्थिक से लेकर हर तरह का योगदान हमें पूरी कॉलोनी के आसपास की कॉलोनी से प्राप्त होता है और प्रतिवर्ष हम लोग ये कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सर संपन्न करते हैं। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।